बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम ज़बरदस्त के साथ मैं हूँ तज़ीन हुमा। आज मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने SMS किया और वो SMS मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी उसको शेयर किया जाए। उस SMS में लिखा था कि दुआ अपने लिए मांगना इबादत होती है और दुआ दूसरों के लिए मांगना खिदमत होती है, और जब कोई इंसान इबादत करता है तो उसे जन्नत मिलती है और खिदमत करता है तो उसे अल्लाह मिल जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये बात आप लोगों को भी बताऊं ताकि हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, क्योंकि हम तो अपने प्रोग्राम में आप लोगों को सबको भरपूर दुआएं देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो इबादत में शामिल हो ही गए हैं। गर्चे पूरी कोशिश करते हैं कि जो दुआ दें तो उस पर आप लोग अमल करें और वो दुआ कबूल भी हो जाए और आप लोग की मुश्किल परेशानियां दूर हो जाएं। वेलकम टू द शो कहते हैं अली तबसुम साहब को, स्टोन एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर जो कि आप जानते हैं कि बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता हैं, उनको हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, हाँ नहीं माशाल्लाह लग रही है। अच्छा बिल्कुल। अली तबसुम साहब हमारे साथ एक कॉलर है, प्रोग्राम हम शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह, हमारे साथ एक कॉलर है उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? कैसी हैं तज़ीन? मैं नसीम बात कर रही हूं लाहौर से। जी मैं बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। अली भाई को भी सलाम और ढेरों दुआएं अली भाई के लिए। आप दोनों जो बैठ के इतना अच्छा काम करें, इतनी मुश्किल दूर करें हम लोगों की, तो दिल से दुआ निकलती है आप दोनों के लिए। थैंक यू सो मच। बस मैं तो कहती हूँ अली तबसुम साहब ये काम कर रहे हैं, मैं तो बस वो कहते हैं ना कि इनके पीछे पीछे, ये कहते हैं फॉलो मी, मैं तो पीछे पीछे चल पड़ती हूँ। नहीं नहीं माशाल्लाह, आप दोनों को कामयाबियां और खुशियां देना। आमीन सुम आमीन। जी नसीम, ये मैंने अपने बारे में पता करना था। अच्छा, आपकी अम्मी का नाम बताए? मैमूना। मैमूना, अच्छा। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है नसीम? 6 जुलाई 1975। 6 जुलाई 1995। लेकिन मेरा पूरा नाम निदा नसीम है। निदा नसीम, बाय बर्थ क्या रखा था? फहमीदा नसीम रखा था। नसीम, अच्छा फहमीदा रखा था। जब मैं पैदा हुई थी शादी के टाइम पे नसीम लगा लिया साथ में। अच्छा, यानी कि असल नाम तो फहमीदा है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है। और 1995, 6 जुलाई 1975। यही मैं सोच रही हूँ कि 95 में तो इतनी छोटी उम्र में शादी हो गई, अल्लाह रहम करे। अरे ये क्या हो गया? अच्छा, मैंने अपनी सेहत के हिसाब से पूछना था, अपने फाइनेंशियली हालात के हिसाब से पूछना था, स्टोन पूछना था, और एक मुझे पता नहीं मेरे अंदर क्या चीज है कि एकदम से परेशान रहती हूँ। रात को अगर लेटती हूँ तो सोचती हूँ पता नहीं अभी क्या हो जाएगा, अभी शायद मैं अभी मर जाऊंगी या ऐसा हो जाएगा, इस तरह की फीलिंग आती है, एकदम से टेंशन सी मुझे होने लगती है अपने बारे में। अच्छा अच्छा, मुब्तला होने वाली बात होती है। और लेकिन असल रीजन तो अली तबसुम साहब ही बताएंगे। तो नसीम आप प्रोग्राम सुनिए, इंशाल्लाह ताला ये सारे जो आपके साथ मुश्किलात हो रही हैं कि रात को सोते वक्त जो कुछ भी इस तरह का हो रहा है, तो उसके लिए अली तबसुम साहब जैसे बताएं उस पर अमल कीजिएगा। हाँ, दिन में भी ऐसा होता है? दिन में भी होता है, यानी कि 24 घंटे ये किस किस्म की बीमारी? अच्छा ठीक है, अली तबसुम साहब आपको बताते हैं, तो नसीम उस पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी आपसे बिल्कुल, और आप बहुत खुशगवार और लंबी जिंदगी आपको सेहत के साथ अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। ठीक है, ओके, गुड लक। ये तो बहुत पहला कैसा है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, होता है बाज़ दफा, और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोगों के साथ होता है, क्योंकि माइंड पर जब उन्होंने कुछ माजी के ऐसे ट्रेजेडी लम्हात मुसल्लत किए हुए हों, या कुछ ऐसा बहुत ही ज्यादा पास्ट में कुछ उनकी ऐसी विशेष अनकम्प्लीट रही हों जो कि 90% कंप्लीट होने वाली थी, या बिल्कुल कामयाबी के वो किनारे पर जाकर अगर बैक हो जाए, तो ऐसे लोग माइंडली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं बिल्कुल। और सेकेंडली ये कि बस बहुत ज्यादा जब सेंसिटिव हो जाता है इंसान, अपने आप से भी वो आदमी खौफ आता है और फील करता है कि शायद इसमें इसका नाम क्या, कि मैं इसमें अलाइव हूं भी कि नहीं, जिंदा हूं भी कि नहीं, सडन बेयकीनी की कैफियत आ रही है। एग्जैक्टली श्योर। तो यहाँ पे इसमें फहमीदा नसीम बाय नेम शी बिलोंग्स टू अ जुपिटर एंड बाय बर्थ शी बिलोंग्स टू अ मून साइन दोनों। अच्छा, यहाँ पे इनके अंदर एक ठंडे एलिमेंट्स भी हैं और गर्म एलिमेंट्स भी हैं, यानी कि इसमें यहाँ पे माइंडली तौर पे इस वक्त इनका जो स्टार है डिस्टर्ब है,
छठा घर एंड सातवां घर, इसमें रोमांस का, मोहब्बत का, इसमें मैटर लाइफ का एंड डिजीज प्रॉब्लम, बीमारियों का घर। इनको बिल्कुल इसमें एक तो फ्रेश रहना होगा और बहुत ज्यादा सूर्य कुरेश, सूर्य कौसर की तिलावत किया करें, रेड एंड व्हाइट कलर का सदका दिया करें, पीर के दिन व्हाइट कलर का रेड कलर का सदका दिया करें, मून स्टोन यू जरूर पहने पेंडेंट फॉर्म में, रिंग फिंगर में पर्ल वेयर करें। दोनों स्टोन अगर ये पहनती है तो इनको माइंडली तौर पे जो भी इनके अंदर कोई नेगेटिविटी है या फिर कोई इंसानी हाथ की तरफ से कुछ ऐसी हर्डल्स रुकावटें होती हैं जो इंसान के दिल दिमाग पर एक खौफ मुसल्लत कर देती हैं, उस सिचुएशन से ये बाहर आ जाएंगी इंशाल्लाह। 2012 इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। सेकेंड हाउस इस वक्त इनका बहुत अच्छा है, आठवां घर बहुत अच्छा है, आठवां घर इनको गुड न्यूज, इसमें द हाउस ऑफ लाइफ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह लंबी उम्र है माशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो इस वक्त इनको तीसरा घर बहुत अच्छा है। पढ़ाई की जरूरत है इनको, रूहानी पढ़ाई हो, दीनी पढ़ाई हो या दुनियावी पढ़ाई हो, तो मैं इनको अपनी सिस्टर को एडवाइस दूंगा कि ये डेली एक रुकू या दो रुकू सूरह आले इमरान, सूरह बकरा के पढ़ लिया करें, और सूरह फील, सूरह कुरैश, सूरह कौसर की जरूर तिलावत किया करें। नजरें बद बंदिशा से सेफ रहेंगी, विद इन 11 डेज के अंदर ही इंशाल्लाह 100% ये अच्छे असर देखेंगी इंशाल्लाह ताला। और हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपकी, मैं अनुमत बात कर रही हूँ। पहले भी मेरी आपसे दो दफा बात हुई है, मैंने पूछना है कि अभी भाई ने मुझे शादी के बारे में बताया था कि चंदमा तक और सिलसिला चलेगा मंगनी का या शादी। अरे आलिया मेरी शालीमार एक्सप्रेस, थोड़ा सा बीच में पॉज भी लेते, कुछ समझ नहीं आया क्या कहे। अच्छा अभी मेरा डेट है, डेट पर 3 मार्च। आलिया आपकी अम्मी का नाम क्या है? नजीरा बीबी। नजीरा बीबी जी। अच्छा और आपकी डेट ऑफ बर्थ आप बताइए। 3 मार्च। 3 मार्च जी 1973। अब बताइए आलिया आराम आराम से कि क्या है मसला। अच्छा आपने मेरी है ना, जब भी कहीं शादी की बात होती है ना, हाँ, कहीं भी रिश्ते का सिलसिला चले तो उस लड़के की है ना पहले कहीं शादी में तेजी तभी मेरे घर वाले बात करें, तो जब मेरे साथ रिश्ते की बात चलती है ना तो आगे भी मैंने की उस रिश्ते का मैं फॉर्म लगवाती हूँ, फॉर्म में आप कहते मेरी शादी उस लड़के से हो जाएगी 20 महीने तक हो जाएगी, पर अब ये ऐसा होता है कि अल्लाह ताला मेरी सुनते भी हैं दुआएं और मैं वजाइफ भी करती हूँ, तो लेकिन उल्टा हो जाता है उस लड़के का जो है ना वो जगह शादी हो जाती है, जिस माँ मुझे बताते हैं ना उसी माँ में ना लड़के की किसी और जगह शादी हो जाती है, तो 2-3 दफा ऐसे हुआ है, तो जैसे कोई मेरा काम रोक देता है, तो अब मेरे वालदैन भी बहुत हो चुकी है और भाई बाजियों पे बस बोझ, तो ऐसा क्यों होता है कि बताते हैं जैसे अली भाई मुझे बताएगा कि आपकी शादी किधर हो। ठीक है ठीक है आलिया, पूरी सूरत हाल समझ आ गई। आप प्रोग्राम देखिए, इस वक्त हम एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है जबरदस्त। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त आलिया से, और आलिया आप थोड़ा सा इंतजार फरमाइए, हमारे साथ एक कॉलर है, पहले उनकी सुन लेते हैं और उसके बाद हम आपको अभी प्रोग्राम में ही बताएंगे कि आलिया आखिर मसला क्या है, अलीजा बसम साहब आपको बताएंगे और आपको करना क्या है, लेकिन मेरी दोस्त भरपूर तरीके से अमल कीजिएगा इंशाल्लाह ताला जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी और आपके जीवन साथी बहुत अच्छे आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन हमारे साथ है? फहमीदा बात कर रही हूँ। फहमीदा क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं चाहिए। मैंने अपने छोटे भाई के बारे में पता करना था। क्या नाम है? उसका नाम है जियाउल मुस्तफा। जियाउल? जियाउल मुस्तफा। जियाउल मुस्तफा, अच्छा। अम्मी का नाम है मोना। नहीं, जियाउल इफ्तिखार नाम है, क्या है? जियाउल मुस्तफा। मुस्तफा ना? हाँ जी। ठीक है, अच्छा। और अम्मी का नाम क्या है? मैमूना। अच्छा, और डेट ऑफ बर्थ क्या है जियाउल भाई की? 12 सितंबर 1988। अच्छा, 12 सितंबर 1988। क्या जानना चाहती हैं जियाउल इफ्तिखार भाई के हवाले से? भाई जियाउल मुस्तफा। जियाउल मुस्तफा, हाँ सॉरी, जियाउल मुस्तफा भाई के हवाले से। हाँ जी, मैंने ये पूछना है कि भाई ना शादी करना चाह रहे हैं अपनी पसंद से ना, लड़की का नाम है आयशा। आयशा। और उनकी अम्मी का नाम है महमूदा।
अच्छा महमूदा, डेट ऑफ बर्थ उनकी सन तो नहीं मुझे पता, लेकिन 23 मार्च है। कौन? 5th मार्च? 23rd। अच्छा 23rd मार्च। और दूसरा भाई के फ्यूचर के बारे में, भाई के लिए स्टोन भी पता करना है, और ये पता करना है कि इनकी मैरिज जो है इनकी कामयाब रही, करनी चाहिए हम लोग को यहाँ पे या नहीं। अच्छा ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए और अली तबस्सुम साहब आपको बताते हैं क्या सूरत हाल बनेगी। इंशाल्लाह ताला सब बेहतर ही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब ये बताइए अली तबस्सुम साहब, पहले हम आलिया के बारे में बताएंगे या जियाउल मुस्तफा भाई के बारे में? आलिया के बारे में। ठीक है, तो आलिया की वालदा का नाम है नजीरा बीबी, 3 मार्च 73। और मुख्तसरन बता देती हूँ कि आलिया का रिश्ते का प्रॉब्लम है, रिश्ता आता है, पसंद भी करते हैं, लेकिन बाद में लड़के की शादी कहीं और हो जाती है। देखिए कैसे बदनसीब लोग हैं। नहीं, इसमें भी कोई अल्लाह की मसलियत होगी, क्योंकि इनको बिल्कुल भी डिसार्टेड नहीं होना चाहिए। शी बिलोंग्स टू जुपिटर आलिया, इसमें जिसे मुश्तरी बुर्ज हूद कहते हैं, क्योंकि जब इसमें कुदरत की तरफ से एक अच्छा जोड़ अभी इनका लिखा हुआ है, जो कि 2012 के मार्च या फिर जुलाई में एक्सपेक्टेड है, जो कि बहुत ही बेस्ट रहेगा इनका। जो भी एंगेजमेंट होने वाली थी या बातचीत इनकी हो चुकी थी, तो थोड़ा सा ये शिकवा कर रही थी कि मैं दुआएं मांगती हूं तो वो कबूल नहीं होती। तो मैं अपनी सिस्टर को एडवाइस दूंगा कि दुनिया में किसी की भी दुआ रद्द नहीं होती, और हदीस में कि काश कि अगर इंसान को मालूम हो जाए कि जो दुआ वो दुनिया में अपनी कोई विश को पूरी करने के लिए मांगता है और उसका रिटर्न जब उसको आखिरत में मिलेगा, तो वो उस वक्त दुआ करता कि वाकई काश मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना होती, क्योंकि उसका जो रिटर्न है वो अल्लाह ताला ने आगे बहुत ही एहसन और अच्छा रखा हुआ है रोजे आखिर में। तो यहाँ पे सिचुएशन इनके स्टार की 7th हाउस में डिस्टर्ब है, जो कि 2009 में इनकी मैरिज थी, 2009 में, 2010 में, 2011 के इनिशियल मंथ में, मार्च में, लेकिन अभी अच्छा टाइम आ रहा है 2012 के मार्च या फिर जुलाई में इंशाल्लाह इनको खुशखबरी मिल रही है इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्ड थी। जिनके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं उसमें कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस इनके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। 2012 के एंड तक एक्सपेक्टेड है एब्रॉड की ट्रेवलिंग कर सकती है। जो भी इनके अधूरे काम है तो इनको बिल्कुल भी डिसऑर्डर्ड तो किसी भी सूरत में नहीं होना, क्योंकि अदरवाइज फिर इनके माइंड के अंदर वो नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी और ये फिर बहुत ही ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनका इसमें 6th हाउस प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्योंकि 2012 के फरवरी मार्च तक हेल्थ इशू प्रॉब्लम भी साथ साथ, वो स्टार जो इनको फिजिकली तौर पर डिस्टर्ब कर सकते हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं, और खुशियां और कामयाबियां देने वाले भी स्टार इनके साथ साथ चल रहे हैं। स्टोन इनके लिए रेकमेंड करूंगा शी कैन वेयर मून स्टोन या फिर फिरोजा 5-6 कैरेट का अगर ये पहनती है पेंडेंट फॉर्म में, तो 100% इनके लिए मुबारक रहेगा। मंडे मॉर्निंग में सदका दिया करें, सूरह निसा, सूरह कौसर एंड सूरह नूर की तिलावत किया करें, बहुत मुबारक रहेगा इनके लिए इंशाल्लाह ताला। असल में मसला ये है कि आलिया जो है हमारी दोस्त, उनकी उनके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो लाजम बात है एक औरत जो है ना सबसे मजबूत सहारा उसके माँ बाप होते हैं या फिर शौहर होता है, जबकि मैं समझती हूँ आज के जमाने में माँ बाप ही मजबूत सहारा होता है, शौहर तो होता नहीं है किसी वक्त भी, इतनी हम कॉलेज सुन रहे होते हैं, तो अब जब माँ बाप ही नहीं है तो भाई बहन फिर इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे, बहुत प्रॉब्लम फिर वो फील करती है वो इसमें लड़की जिनके पेरेंट्स ना हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर बड़े भाई को या अगर उनकी कोई यकीन भाभी है तो उनको माँ का और बाप का रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह ताला खुश होता है। और मैं समझता हूँ कि इसमें यकीनन किसी एक का जब हम भला करते हैं, किसी का अच्छा सोचते हैं, वो फिर अपनी सिस्टर हो तो भी यकीनन अल्लाह ताला उस इंसान का बहुत ज्यादा फायदा करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमारे साथ एक कॉलर है तो उनकी बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम जियाउल मुस्तफा भाई के बारे में बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं शबाना श्यामपुर से बात कर रही हूँ। शबाना साहिबा आप खैरियत से हैं? हाँ जी ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे हैं। किसके बारे में जानना चाहेंगी? जी मैंने ना अपने बच्चों के बारे में जानना। अच्छा एक बेटी और एक बेटा। एक बेटी और बेटा, तो आप बताएं सबसे पहले किसके बारे में बताएं, बेटी या बेटा? पहले बेटी के बारे में, ईशा नाम है, ईशा फातिमा। ईशा फातिमा, ईशा फातिमा, ईशा फातिमा। ठीक है ईशा फातिमा, और आपका नाम जो है वो शबाना। ठीक है, और ईशा की डेट ऑफ बर्थ क्या है? यकम मई 2002। फर्स्ट मई 2002। अरे ये तो अभी छोटी है काफी, तो बस आगे ये क्या बच्चे पढ़ेंगे या क्या, कोई टेंशन तो नहीं इनकी वजह से होगी? मैं जरा बहन नहीं हूँ ना मामा।
अच्छा अच्छा सही। बच्चों का वहम रहता है बस, पता नहीं क्या है क्या नहीं, चलती रहती हूँ, बच्चे बाहर गए हो वो भी तो, बस मैंने इनके मुस्तकबिल के बारे में पता करना जरा। ठीक है शबाना साहिबा, आप पहले ईशा के बारे में सुनिए और याद रखिए, फिर अगली कॉल में हम आपको आपके बेटे के हवाले से भी बता देंगे। ठीक है, थैंक यू। उसके डेट लिख लेना, 28 दिसंबर साद अली। बेटे का नाम बताइए। साद अली। साद। अच्छा, और साद की डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो 28 सितंबर। 28 सितंबर। सितंबर 2006। अच्छा 2006। ठीक है, ठीक है शबाना साहिबा, आप प्रोग्राम देखिए, हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। एक तो पहले, सबसे पहले जो है फहमीदा, जिन्होंने अपने छोटे भाई जियाउल मुस्तफा साहब के बारे में मालूम करना चाहा था, उनकी वालदा का नाम है मैमूना, 12 सितंबर 88। तो अब इनका फ्यूचर ओवरऑल क्या सितारे कह रहे हैं ये बता दीजिए। कंपैरिजन किसके साथ कर? अच्छा हाँ, और कंपैरिजन इन्होंने कहा था कि आयशा नाम है, उनकी वालदा का नाम है महमूदा, और 23 मार्च और सन का नहीं पता उनको। वेल वर्गो इनके भाई जियाउल मुस्तफा ही बिलोंग्स टू वर्गो तार बुसुमरा से रिलेटेड हैं, और इनके जिनके साथ कंपैरिजन ये करवा रही हैं अपने होने वाली भाभी के लिए, आई थिंक तो उनका स्टार अच्छा है। शीज एरीज, जिसे मुरीक बुरशमल कहते हैं, दोनों का कंपैरिजन अच्छा है, इनके लिए बेस्ट साबित होंगी। इनके भाई के लिए आयशा, इनके स्टार की पोजीशन अच्छी है, कामयाबियों की तरफ बढ़ रहे हैं इनके भाई। 2012 जून जुलाई तक एक्सपेक्टेड है मैरिज, बाहर का सफर है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनको कोई फायदा हो सकते हैं। जो भी स्ट्रगल करते रहे, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उन्होंने प्लानिंग कर रखी है आगे कामयाबियों से रिलेटेड, तो उनको वो कामयाबियां कुदरत की तरफ से मिल रही हैं। अच्छे लोगों का साथ रहेगा, अच्छे फ्रेंड का साथ रहेगा, इनके लिए आयशा का स्टार बहुत ज्यादा मुबारक रहेगा अगर ये इनकी वाइफ बनती है। 2012 जुलाई अगस्त के महीने इनके लिए बहुत मुबारक रहेंगे। इनके भाई के लिए मैं स्टोन रेकमेंड करूंगा, ही कैन वेयर रूबी या फिर रेड कॉरल। भाभी के लिए इनकी इसमें अगर इनकी शादी होती है तो यकीनन इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा इसमें पर्ल या फिर सन स्टार, दोनों में से कोई भी एक स्टोन वो वेयर कर सकती हैं। रेड एंड व्हाइट कलर का अगर ये सदका देती हैं हमारी सिस्टर इसमें फहमीदा, तो बहुत मुबारक रहेगा। आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इंपॉर्टेंटली इनके भाई का बिजनेस कारोबार में नुमाया तौर पे तरक्की और कामयाबी की तरफ वो ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और ये जो हमारी एक प्यारी बच्ची है ईशा फातिमा, वालदा का नाम है शबाना, 1 मई 2002। अब इनका फ्यूचर बताइए। ये जो शबाना साहिबा हैं बहुत वहमी मामा हैं, मैं तो कहती हूँ सारी मामाएं वहमी होती हैं, सब मामाओं को अपने बच्चों की परेशानी रहती है। एक्जैक्टली, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी किसी भी वहम में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनकी बेटी की माशाल्लाह स्टार की पोजीशन बहुत अच्छी है। शी स्टोरियन बुर्जसौर से रिलेटेड है, जिसे हम जोहरा कहते हैं, बुर्ज इसमें स्टार, लकी नंबर इनका 6 है, फ्राइडे इनकी बेटी का लकी डे है, जहीन इंटेलिजेंट और माशाल्लाह आगे बहुत कामयाबियों की तरफ बढ़ने वाली, और मैं समझता हूँ कि फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। ग्रीन कलर का सदका दे दिया करें बेटी का जुमातुल मुबारक मॉर्निंग में इसमें, और सूरह कौसर सूरह इखलास पढ़कर उन पर दम कर दिया करें। पेंडेंट फॉर्म में अगर ग्रीन एम्ब्रॉयडर्ड या ग्रीन जिसे हम जमूट कहते हैं या ओनेक्स अगर इनको पहना देती हैं इसमें ईशा को, तो एक तो इनकी मेंटेलिटी पावर बढ़ेगी, अच्छी ग्रूमिंग होगी, और नजरेबंद से बैड एस्पेक्ट से जो भी इसमें कुछ आसमानी आफात या बलाएं या परेशानियां उनसे ये सेफ रहेंगी। तो कह सकता हूं कि फ्यूचर अभी माशाल्लाह इनका आगे स्टार्ट हो रहा है, और नेक्स्ट 10 से 15 ईयर इनकी लाइफ में अच्छी चेंजिंग के जहीन होगी। तो मैं समझता हूं कि इनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इन्हें आगे हायर एजुकेशन की तरफ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आगे इनका पढ़ने का एक रुझान अच्छा होगा और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकती हैं। सेकंड साद हैं, और वालदा का नाम शबाना, 28 सितंबर 2006। लिब्रा जबरदस्त, क्योंकि यहां पे माशाल्लाह दोनों इनके बेटी और बेटी का एक ही स्टार है, लेकिन यहाँ पे इनके बेटे का बुर्ज चेंज होगा। ही आल्सो बिलोंग्स टू जोहरा, लेकिन बुर्ज इनका यहाँ पे इसमें मिजान है। इनका भी लकी नंबर 6 है, इनका भी फ्राइडे लकी डे है इनका, लेकिन इनका सदका थोड़ा सा ओपल इसमें अगर ये पहनते हैं तो इनकी मेंटेलिटी पावर बढ़ेगी, इनको हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्टमक प्रॉब्लम इसमें, माइंड प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, लेकिन व्हाइट एंड रेड कलर का सदका देने से हर्डर्स रुकावटों से बंदिशा से सेफ रहेंगे, फ्यूचर में एक अच्छे बिजनेसमैन साबित हो सकते हैं।
तालीमी काबिलियत इतनी खातर खानी होगी, कोई खास नहीं मैं इनको देख रहा हूँ तालीमी तौर पे, लेकिन एक अच्छे बिजनेसमैन साबित होंगे, अपने पेरेंट्स का इम्पोर्टेंटली मदर के साथ बहुत ज्यादा अटैच होंगे और पॉपुलैरिटी फेम हासिल कर सकते हैं कोई भी खिदमत खल करके, अच्छा काम करके और दूसरों का भला करके, आगे कुदरत की तरफ से इनको फायदा होता रहेगा, फ्यूचर अच्छा है इंशाल्लाह दोनों इनके बच्चों का। और सदका देती रहे और सूरह कौसर, सूरह इखलास, सूरह रहमान पढ़कर दोनों बच्चों पे दम कर दिया करें जरूर। और शबाना साहिबा आपने सुन लिया होगा कि माशाल्लाह से आपको परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है, दोनों बच्चों का फ्यूचर बहुत सेफ एंड सिक्योर है और हमारी दुआएं आप तमाम लोगों के साथ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए और सिराते मुस्तकीम पर चलाए आप लोगों को। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम जबरदस्त में रहिए तजीन के साथ। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ कॉलर्स से और मुख्तलिफ इश्यूज पे हमारी बात हो रही थी। और जो है माए भी कितनी प्यारी होती है ना, देखें अभी बच्चे इतने छोटे हैं और वो परेशान हो रही है। एक्जैक्टली सारे जिगर के टुकड़े होते हैं ना, तो चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में तरक्की करें, कामयाबियों की तरफ बढ़ें और हर किस्म की नजरें बस से महफूज रहें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यहाँ पर एक हमारे साथ बहुत ही अच्छी सी कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? यार ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छे हम लोग, बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं, सब खैरियत है घर में? जी अल्लाह का शुक्र, आपने पहचान लिया मुझे? सोबिया जी जी, देखा मैं पहचान जाती हूँ। थैंक यू सो मच। क्या बात है सोबिया, बस इसी तरह जिंदगी भर ऐसी हस्ती मुस्कुराती रहे आप? हाँ जी, बस सभी मुझे ऐसे ही कहते हैं कि आप हस्ती ज्यादा और हस्ती रहो बस। बस इंशाल्लाह ताला आप सारी जिंदगी हंसेंगी मुस्कुराएंगी। किसके बारे में जानना चाहेंगी? भाई कैसे हैं? भाई ठीक है, भाई ठीक है जी, अल्लाह शुक्र है। सोबिया दुआएं आपकी, बिल्कुल ठीक ठाक मेरी बहन। आज मैंने अपनी अम्मी के बारे में जानना है। अच्छा, उनकी हेल्थ के बारे में और उनके हाथ के बारे में, वो थोड़ी सी बीमार रहती है। अच्छा, तो उनके बारे में मुझे आज जानना है। अम्मी का नाम जुबैदा। जुबैदा, और जुबैदा साहिबा की अम्मी का यानी कि आपकी नानी का नाम राबिया। अच्छा राबिया, और जुबैदा साहिबा की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1956। डेट का वैसे कंफर्म नहीं है, वो मुझे पता नहीं है। अच्छा, बस सन याद है 56। हाँ जी, और मुझे अपने एक भाई के बारे में भी पता करना है। बस आप शादसा बता दें उनके बारे में, थोड़ा सा जरूर आप बताएं। अच्छा अच्छा, ये बताइए भाई का नाम क्या है? आमिर का नाम, आमिर। आमिर, अच्छा, और आमिर भाई की डेट ऑफ बर्थ? 16 अगस्त 1982। आमिर भाई के लिए क्या जानना चाहती हैं? आमिर भाई के लिए मैं उनके पूरे फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ और उनके हमने एंगेजमेंट की हुई है, उनके लाइफ पार्टनर के बारे में भी जानना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, तो फिर सोबिया आप सुनिए और हमारी दुआएं जो हैं वो आपकी अम्मी जान के साथ हैं कि अल्लाह पाक उन्हें बहुत सेहतमंद जिंदगी और खुशहाली अता फरमाए ताकि वो आप लोगों को देख देख के बहुत खुश हो रब्बुल आलमीन। ठीक है, आपकी अम्मी हमारी अम्मी जैसी हैं, तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सेहतमंद जिंदगी अता करे। लेकिन फिर मैं यही कहूंगी अली तबस्सुम साहब, आप ही बताएंगे, आप ही हमारे मौलिज हैं। बिल्कुल, आप जुबैदा साहिबा, उनकी वालदा का नाम राबिया और 56 में पैदा हुई है, डेट और मंथ नहीं पता। ओके, बाई नेम बता देते हैं क्योंकि यहाँ पे बाई नेम शी बिलोंग्स टू कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे वाकई इनके स्टार की पोजीशन 2010 से बीमारियों ने इनको घेरा हुआ है, स्टमक प्रॉब्लम कह सकता हूँ या फिर लीवर प्रॉब्लम या हार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त इनके स्टार की पोजीशन इसमें 6 हाउस में डिस्टर्ब है, लास्ट पार 2-3 ईयर से, 2009 से कह सकता हूँ या 10 से, लेकिन इनका अच्छा टाइम 2012, इसमें पांचवा छठा महीना इनके लिए खुशियों भरा होगा। जो भी नहुसत के स्टार है, कोई इंसानी हाथ की तरफ से हर्डल्स रुकावटें हैं या कोई बैड एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से फिजिकली माइंडली तौर पे इनकी मदर डिस्टर्ब है, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि सदका देने से ब्लैक कलर का सदका दिया करें हमारी सिस्टर सोबिया मदर का अपना, बल्कि वो अपने हाथ से अगर सदका दे दें इसमें हमारी ये जुबैदा आंटी, तो बेस्ट रहेगा उनके लिए। सूरह कौसर, सूरह कुरैश की तिलावत किया करें, अगर 5-7 फ्राइडे सूरह रहमान अगर पानी पर पढ़कर उनकी इसमें सोबिया बहन अपनी मदर को पिला देती तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। कॉरल जरूर पहने, मरजान पेंडेंट फॉर्म में या रिंग फिंगर में, इनके लिए बहुत ज्यादा मुबारक रहेगा।
अगले 2-3 महीनों के अंदर अंदर फिजिकली तौर पे इंशाल्लाह इनको कामयाबी होगी, सेहतियाब रहेंगी। जो भी डिजीज प्रॉब्लम के स्टार हैं नजरे बद की वजह से, तो उनसे इंशाल्लाह ये निकल जाएंगी एंड ऑफ दिस ईयर या फिर जनवरी तक यानी कि बस ये अब चंद दिन तो हैं exactly, और जनवरी भी बहुत ही नजदीक है, तो अल्लाह ताला बहुत जिंदगी अता फरमाए सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अच्छा ये बताइएगा कि सुबिया के जो भाई हैं आमिर, वालदा का नाम जुबैदा और 16 अगस्त 82 ही बिलोंग टू लियो साइन, शम्स बुर्ज, असद से रिलेटेड है। स्टार की पोजीशन इनकी इस वक्त अच्छी बन रही है इसमें, क्योंकि यहाँ पे या तो इनको अभी इमीडिएटली कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनकी किस्मत और अब इन पता नहीं कि इनकी फ्यूएंसी की क्या डेट ऑफ बर्थ थी, अगर उनका पता चल जाता तो फिर और ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन इनकी अपनी लक सेकेंड हाउस एंड फर्स्ट हाउस यहाँ पे अच्छा है, बिजनेस इनके लिए मुबारक रहेगा, ट्रेवलिंग कर सकते हैं या फिर इसमें अगर जॉब की कोई प्लानिंग है तो उसमें इनको कामयाबी हो सकती है। जॉब करेंगे तो इनके लिए 5वां महीना बहुत मुबारक रहेगा, क्योंकि इनको वेट करना होगा, मैं इनके लिए बहुत मुबारक निकल रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जनवरी और फरवरी इनके लिए बेस्ट है। एब्रॉड जाना सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, शादी करके अगर ये बाहर चले जाते हैं तो 100% फाइनेंशियल तौर पे इनके हालात अच्छे होंगे। इस वक्त स्टार की पोजीशन इनकी जरा थोड़ा सा इसमें डिसबैलेंस है, इसमें 9th हाउस सेकेंड हाउस यहाँ पे पर्सनैलिटी एंड प्रॉपर्टी या जायदाद से रिलेटेड अगर कोई भी कोई कारोबार करते हैं तो इनको कोई खातर खान नतीज नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर ये कोई अपना बिजनेस फरवरी में स्टार्ट करते हैं या फिर मई में करते हैं तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। सूर्य शम्स सूर्य कमर की तिलावत क्या करें, रूबी सुर्खियाकूत पहन सकते हैं 5 to 6 कैरेट का, इसमें कह सकता हूं कि 2012 के मिड तक माली हालात इनके बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और फिर कंटिन्यू नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स तक इनका स्टार इनको खुशियों और कामयाबियों की तरफ रिस्पांस देता रहेगा इंशाल्लाह ताला। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ जी? मैं सोबिया बात कर रही हूँ जी। सोबिया साहिबा सब खैरियत है जी? इससे पहले भी सोबिया ने फोन किया था लेकिन मैं एक और सोबिया हूँ जी। मैं बिल्कुल पहचान गई हूँ, वाली सोबिया वाली दी और ये वाली सोबिया ये वाली है जी जी, मैं जी लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा मेरी दोस्त, लाहौर का मौसम कैसा है जी? लाहौर का मौसम काफी ठंडा है आजकल तो। उई हुई जबरदस्त मजा आ रहा होगा ना जी। सबसे पहले तो आपको मुझे एक बात कहनी थी जी क्या जी, मैंने आपको ये कहना था कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। अच्छा थैंक यू मेरी स्माइल मुस्कुराहट बहुत अच्छी है आपसे ज़्यादा हमें उनकी इतनी अच्छी स्माइल लग रही है। मैंने अपने बारे में जरा आपसे कुछ पूछना था जी। जरूर, आपकी अम्मी का नाम बताएं सोबिया। हाँ जी, अम्मी का नाम है कौसर। कौसर जी, अच्छा और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है जी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 फरवरी 1974। अच्छा 18 फरवरी 1974, क्या जानना चाहती हैं अपने बारे में जी? मैं अपनी लाइफ के बारे में ओवरऑल जानना चाहती हूँ, और उसके अलावा मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो आयरलैंड गए हुए हैं। अच्छा जी, तो वो डॉक्टर हैं। अच्छा तो मैं भी इंशाल्लाह कुछ अर्से में उनके पास चली जाऊंगी, तो मैंने ये पूछना है कि वहां जाकर मेरी लाइफ कैसी होगी, आया मैं जॉब करूंगी या नहीं, और जॉब करना मेरे लिए अच्छा है, और ये हमारी जो हाली हैसियत है वो कैसी रहेगी? ठीक, और उसके अलावा कोई स्टोन के बारे में भी बता दीजिए, और उसके अलावा कुछ पढ़ने के लिए बता दें आप बिल्कुल, ओवरऑल मेरी लाइफ के बारे में प्लीज। बिल्कुल बता देंगे, लेकिन सोबिया आपको वादा करना पड़ेगा कि आयरलैंड जाके आप हमें भूलेंगी नहीं ठीक है ना? वहां से फोन जरूर करना है आपने। हाँ जी जरूर जी जरूर, इंशाल्लाह क्यों नहीं ठीक है, बस फिर समझे आप आयरलैंड पहुंच गई ओके थैंक यू सो मच एंड गुड लक। अली तबसम साहब अब ऐसा अच्छा सा बताएं कि सोबिया आयरलैंड पहुंच जाए ठीक है। सोबिया वालदा का नाम कौसर, 18 फरवरी 1974। मैंने क्या इतनी जल्दी पहुंचा दी है माशाल्लाह, वो एरोप्लेन हाँ, मेरे पास तो हेलीकॉप्टर नहीं है। अच्छा वो ना भी छुड़वा देती जबरदस्त। अच्छा अच्छा लगा, दोनों ही माशाल्लाह सोबिया पहले हाँ। वाली और ये दोनों ही माशाल्लाह कितनी हसमुख थी ना। हाँ, और कितनी अच्छी आदत थी माशाल्लाह, मुझे लग ही रहा था मैं तो सेम वही ये ट्विन सिस्टर है। अच्छा हाँ, जबरदस्त।
और माशाल्लाह जब वो आपकी स्माइल की तारीफ कर रही थी तो वो खुद कितना अच्छा मुस्कुरा रही थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फोन पे जब इतनी अच्छी अंदाजी गुफ्तगु है, इतना इनके तो माशाल्लाह प्यार है, मोहब्बत है तो। और मजे की बात है कि इनके यहाँ पे इतने जबरदस्त इनके स्टार की पोजीशन है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि यहाँ पे इनका सेकेंड हाउस, सिक्स हाउस बहुत अच्छा है और अच्छा। पांचवा घर इतने प्यारे इसमें घर किस्मत का एंड इसमें सेहत का सेहतमंद रहेगी माशाल्लाह, कोई यहाँ पे डिजीज प्रॉब्लम नहीं निकल रहे हैं। इसमें फैमिली कोई गुड न्यूज मिल सकती है नेक्स्ट ईयर, या फिर इसमें कुदरत की तरफ से औलाद के हवाले से खुशखबरी मिल सकती है और अपने हस्बैंड के लिए बहुत इस वक्त लक्की साबित होंगी। इनका सफर बहुत ही जल्द निकल रहा है, कह सकता हूँ कि अगले ज्यादा से ज्यादा 4 मंथ के अंदर अंदर ये, हाँ एग्जैक्टली इंशाल्लाह अपने हस्बैंड के पास होगी। बहुत ज्यादा मुबारक रहेगा ट्रैवलिंग करना यहाँ पे। इसमें इस वक्त इनके स्टार की पोजीशन 96% स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। ज्यादा से ज्यादा सूरह कौसर, सूरह इखलास पढ़ा करें एंड सूरह निसा की तिलावत किया करें, ब्लैक एंड रेड कलर का सदका दिया करें। इसमें ब्लैक कीक अगर पहन लेती हैं या फिर मून स्टोन, दोनों में से कोई भी एक स्टोन, तो इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा, क्योंकि जब बहुत ज्यादा अरूज के करीब हो तो मैंने देखा है कि सैटर्न को नजर भी लग जाती है। अच्छा एग्जैक्टली तो यहाँ पे हमारे सिस्टर की कामयाबी बहुत करीब करीब है, तो मैं इनको यही एडवाइस दूंगा कि अभी कंटिन्यू एवरी थर्सडे या फिर एवरी फ्राइडे ब्लैक चीज का सदका जरूर देती रहे, क्योंकि कामयाबी इनके बहुत करीब है। तो फिर ये कि इंशाल्लाह कंटिन्यू आगे नेक्स्ट इनके 5 to 6 ईयर बहुत मुबारक रहेंगे और माशाल्लाह फिर ये आपसे फोन पे रابطे में रहेंगी इंशाल्लाह ताला। मुझसे नहीं, हम दोनों से रहेंगी और क्योंकि मैं तो आपके साथ साथ ही हूँ तो अच्छा दूसरी बात ये कह ली थी बसम साहब, आयरलैंड जाके इनके लिए जॉब करना बेहतर रहेगा और फाइनेंशियली अच्छे सूरत हाल वंडरफुल वाकई, क्योंकि वो कहते ना कि इसमें माशाल्लाह इतना जब अच्छा सामने जायचा निकल रहा हो तो एक्साइटमेंट में, जोश में पता नहीं चलता है। जॉब कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं, क्योंकि मैंने इन्हें बताया कि इस वक्त इनकी लक बहुत स्ट्रांग है, अपने हस्बैंड के लिए बहुत लकी है। जॉब करना इनके लिए मुबारक रहेगा, अपने आप को बिजी रखें, बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर है, इमीडिएटली इनको जाकर वहां पे इंशाल्लाह जल्द ही जॉब भी मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। और यहां पर लेने जा रहे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम जबरदस्त में रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो और हमारे साथ हैं एक कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं आलिया बात कर रही हूँ। अरे आज तो इतनी सारी आलिया आ चुकी हैं कि बस। आलिया खैरियत है सब घर में? जी सब खैरियत है, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे। ये बताइए कि किसके बारे में जानना चाहेंगी? जी मुझे अपनी कजन के बारे में पूछना है। अच्छा तो कजन का नाम क्या है? कजन का नाम रहीला। अनिला? राहिला। राहिला। ओके राहिला। और जो राहिला है उनकी अम्मी का नाम क्या है? रमजाना। क्या? रमजाना बीबी। जी रमजाना। अच्छा जी रमजाना जी रमजाना बीबी। अच्छा और राहिला की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 अक्टूबर। अच्छा 23 अक्टूबर 1983। ठीक है, अब राहिला के बारे में क्या जानना है ये बताएं? जी और इसके यानी के ये पूछना है कि इनके और इनकी शादी होगी है और इनके शोहर का नाम है प्रवेश। अच्छा और उसके अम्मी का नाम सोरा दीदी। अच्छा तो जी इनके अभी तक औलाद नहीं हुई और इनके नहीं, परवेश भाई की डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता उसकी। अच्छा ठीक है, तो अभी तक औलाद नहीं हुई, कितने साल हो गए शादी को? 3 साल हो गए हैं और माली हालात भी अच्छे नहीं है और कर्जा वगैरह भी है और अच्छा। इनका लकी नंबर भी बता दें, स्टार मुकम्मल बता दें। ठीक है परेशान। ठीक है आलिया आप प्रोग्राम देखिए और कोशिश करें कि राहिला को कहें कि वो भी प्रोग्राम देखें, परवेज भाई भी देखें, ताकि याद रख सके उन्हें करना क्या है। इंशाल्लाह ताला हालात भी बेहतर हो जाएंगे, औलाद का मसला भी हो जाएगा, अल्लाह पाक सब कुछ अपना रहम करेगा और सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है थैंक यू सो मच। राहिला वालदा का नाम रमजाना बीबी और 23 अक्टूबर 83, लेकिन परवेज भाई की सिर्फ वालदा का नाम पता है सुगरा बीबी और डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। औलाद और फाइनेंशियल क्राइसिस, ये दो बड़े अहम क्राइसिस हैं जिंदगी के। यहाँ पे तदीन के स्टार की पोजीशन अच्छी है राहिला के,
23 अक्टूबर बिल्कुल एंड की लिब्रा है जिसे वीनस साइन कहते हैं। यहाँ पे इनका फिफ्थ हाउस में अच्छा देख रहा हूँ और कह सकता हूँ कि 2012 इनके लिए मुबारक साबित होगा, जबकि बाई नेम इसमें परवेज भाई ही बिलोंग्स टू पाइसेस, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इनके फिफ्थ हाउस में। इनको अपना मैं समझता हूँ कि मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे नहुसत के स्टार इनको फिजिकली तौर पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, सो जिसकी वजह से प्रॉब्लम मैं इनके अंदर कह सकता हूँ, इनके स्टार में, इनके जायचे में निकल रहे हैं। लेकिन कुदरत की तरफ से गुड न्यूज भी इनको मिल रही है, फाइनेंशियली तौर पर इनके हालात अच्छे होंगे 2012 के इसमें फरवरी में या फिर मई में। अगर ये अब्रॉड चले जाते हैं परवेज साहब, तो इनके लिए और ज्यादा बेस्ट रहेगा, बिजनेस कारोबार में भी बेहतरी आ सकती है। जॉब अगर ये करें तो उसमें इनको कोई खातर का कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि फाइनेंशियल तौर पे फिर आगे स्ट्रांग नहीं होंगे। तो 2012 इनके लिए फाइनेंशियल तौर पे अच्छा होगा, फरवरी या फिर मई चौथा महीना, अगस्त सितंबर तक, 2012 के अगस्त सितंबर तक औलाद नरीना की तरफ से गुड न्यूज मिल सकती है। ज्यादा से ज्यादा सूरह मरियम, सूरह यूनस एंड सूरह यूसुफ की तिलावत किया करें राहिला, इनके हस्बैंड या मुसव्विरु या वारिसु की तस्बीह किया करें, रेड एंड व्हाइट कलर का सदका दें। हमारी सिस्टर अपना बर्थ स्टोन जरूर वेयर करें, ओपल और उसके साथ संगे मरियम अगर ये पहनती है तो बेस्ट रहेगा। इनके हस्बैंड के लिए मैं स्पेसिफिक खास तौर पे फिरोजा रेकमेंड करूंगा और कॉरल, दोनों स्टोन का कॉम्बिनेशन इनको पहनना होगा, इसमें एक ही रिंग फिंगर में। तो इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे, फरवरी से अच्छा टाइम दोनों का शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे हैं, आप बताइए सब खैरियत है? हाँ जी सब खैरियत है। वो एक्चुअली मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। उरूज, भाई का नाम बताइए। भाई का नाम जहांजेब। जहांजेब, अच्छा, और जहांजेब भाई की अम्मी का नाम? अम्मी का नाम शमीम कौर सर। अच्छा, और डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई की? डेट ऑफ बर्थ 7 जनवरी। 7 जनवरी 1991। अच्छा, क्या जहांजेब भाई के वाले से क्या जानना है? अपने भाई के बारे में ये जानना है कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है। अरे, और उन्हें गुस्सा बहुत आता है और कई बार उन्हें खौफना ख्वाब आते हैं, और उनकी पिछले कई साल से सर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कई बार वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं पर नहीं हो पाती। क्या खत्म हो गया? स्टडी, पढ़ाई। हाँ जी पढ़ाई। अच्छा, पढ़ाई खत्म हो गई, और रात में क्या ख्वाब भी आते हैं उन्हें डरोने? हाँ जी, उन्हें खौफना ख्वाब भी आते हैं। दिन में डांटते हैं सबको, घर वालों को, इसलिए आते हैं जी, है ना? अच्छा चले ठीक है उरूज, और कोई बात? बस यही। और उन्हें जॉब नहीं मिल रही कई साल से, कई वो 2 साल से ना। अच्छा, वो जगह अप्लाई किया पर जॉब नहीं मिल रही उनको। ठीक है, अली तबस्सुम साहब बता दें कि ड्रोने ख्वाब क्यों आ रहे और इतना गुस्सा क्यों आ रहे, जो घर में डांट रहे सबको, और अम्मी से कहें कि एक हल्का सा लगा दें, सही हो जाएंगे, ठीक है? प्रोग्राम सुनिए, उस पर अमल कीजिए। अली तबस्सुम साहब, मैंने तो मशवरा दे दिया, ठीक है, अब आप बताइए असल सूरत हाल है क्या? ये केतु रहोगी तो गड़बड़ नहीं है? और उन्होंने जुनूनी हो जाना थप्पड़ खा के अम्मी और उन्होंने कहना तजीन इतना अच्छा मशवरा दिया था बेटा, इधर आगे खुद ही आगे। जहांजेब वालदा का नाम है शमीम कौसर, 7 जनवरी 1990। कैप्रिकॉन, हमारे भाई कैप्रिकॉन है, सैटर्न जोहल बुर जद्दी से रिलेटेड है। इनकी यहाँ पे स्टार की पोजीशन बिल्कुल इस वक्त ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस वक्त इनका लक हाउस बहुत अच्छा है, सिक्स हाउस बहुत अच्छा है, माशाल्लाह इनका ए हाउस ऑफ एज इसमें बहुत अच्छा है, आठवां घर। इंसानी हाथ की तरफ से रुकावटें हैं, बंदिश हाथ है, यहाँ पे कुछ ब्लैक एलिमेंट्स हैं, इवल साइड्स जिसे हम इसमें कोई भी कह सकते हैं कि बैड एस्पेक्ट्स, कुछ इंसानी नजर या फिर कुछ ऐसी नेगेटिविटी इनके अंदर इन्होंने खुद से खुद साख्ता पैदा कर रखी है। इनकी मदर ये सिस्टर, मैं इनको एडवाइस दूंगा कि ज्यादा ज्यादा काले कलर की ब्लैक चीज का सदका दें, ब्लैक चने, काली सिरिया, कोई कपड़ा या कोई भी ब्लैक चीज, एवरी थर्सडे, कम अज कम मिनिमम 5 थर्सडे 5 जुमेरात तक, या फिर मैक्सिमम 7 to 11 11 जुमेरात तक काली चीज का सदका दे दें। ब्लैक हकीक इनको पेंडेंट फॉर्म में पहना है, ताकि जो भी इवल साइट्स है, जो भी असरात है इनके ऊपर,
फिजिकली तौर पे जिन्होंने इनको जकड़ रखा है, जिसकी वजह से ये अपने पढ़ाई को स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, या इनका दिल नहीं लग रहा, तो मैं समझता हूँ कि वो चीजों का जैसे ही असर रिवर्स होगा, बैक होगा, तो डेफिनेटली इनके इसमें स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट होगी और इनकी मेंटेलिटी पावर आगे बढ़ेगी और कामयाबियों की तरफ बढ़ेगी। जॉब की तरफ से भी गुड न्यूज इनको मिल रही है 2012 का फरवरी या फिर मई तक या मैक्सिमम जून तक इनको 100% अच्छी जॉब मिल जाएगी, अपना बिजनेस कर सकते हैं या फिर बाहर जा सकते हैं, बेस्ट रहेगा। और अगर ये खुद से ज्यादा ज्यादा सूरह फील, सूरह कुरैश एंड सूरह फलक की तिलावत किया करें तो इनके ऊपर जो भी बदअसरात हैं, इसमें इवल साइड्स हैं, इसमें रुकावटें हैं, उनसे भी सेफ रहेंगे इंशाल्लाह ताला। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं मरियम बात कर रही हूँ लाहौर से। मरियम, घर में सब खैरियत है? मैं ठीक, आप ठीक हैं? जी हम लोग तो खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अली तो वसम सर ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मरियम आप कैसे हैं? उनको मेरी सारे आप मेरी सारी वेलविशेज आप लोगों के साथ है। आप लोग इतने अच्छे, इतने अच्छे हैं, आप लोग कितना नेक काम करते हैं, लोगों का भला करते हैं, उनको कितना अच्छा बताते हैं। और मतलब थैंक यू बहुत, आप लोगों की सारी दुआएं, सारी दुआएं आप लोगों को लगती हैं और आप लोगों को अल्लाह हमेशा खुश रहे, आप लोगों के प्रोग्राम सही कामयाबी चलता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला आपकी जबान भी मुबारक करे और अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत खुश रखे। ये बताइए मरियम, किसके बारे में जानना है? मेरे भी मामा का पूछने। अच्छा तो वो आपकी प्यारी मामा का नाम बताइए। नीलम। नीलम जी। क्या बात है भाई। और नीलम साहिबा की अम्मी का नाम? परवीन अख्तर। अच्छा परवीन अख्तर। और डेट ऑफ बर्थ क्या है नीलम साहिबा की? डेट ऑफ बर्थ है 23rd October 1962। अच्छा क्या जानना चाहती हैं नीलम साहिबा के हवाले से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका स्टार कौन सा है और उसके बाद के मतलब ये इनका फ्यूचर बताएं, हज और उमरा, पर्सनैलिटी और औलाद की तरफ से क्या कोई खुशखबरी बताएं। हम तीन बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे दो छोटे भाई हैं। तो अब कोई सक्सेस बताया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो हमारी मतलब अक्सर घर में ना होती है। अच्छा ठीक है, तो उसके बारे में ना प्लीज बताएं, आने वाला वक्त बताएं, अच्छा सा कोई अच्छी अच्छी सारी बातें बता दें। और थैंक यू सो मच, और सबका भी कुछ बता दीजिएगा और कुछ पढ़ने के लिए और लकी नंबर। ठीक है ठीक है, ओके ओके, जो हुक्म मेरे आका बता देंगे। ठीक है थैंक यू सो मच। अच्छी अच्छी बातें बतानी है सारी। आनी माशाल्लाह बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छी हमारी सिस्टर थी और यकीन करें कि उन्होंने दिल खुश कर दिया, इतनी ढेर सारी दुआएं, अच्छा लगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें स्टार का इनकी जो माशाल्लाह वालदा का स्टार है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा बिल्कुल एंड के लिब्रा है, जोहरा बुर्ज मेजान, वीनस साइन इनका लकी नंबर 6 है और जुमातुल मुबारक इनका लकी डे है। ओपल पर इनके बर्थ स्टोन है, बहुत मुबारक टाइम आ रहा है, 2012 इनके लिए अच्छा होगा, कुदरत की तरफ से कुछ अच्छे मौके मिलेंगे और सबसे अच्छी बात है ये कि इसमें कुछ अच्छे लोग फायदा पहुंचा सकते हैं, कोई भी बिजनेस जॉब या कोई ट्रेवलिंग में कामयाबी हो रही है, मुबारक सफर निकल रहे हैं हज उमरे के। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी औलाद इनको बहुत ज्यादा सुख देगी, सदका दिया करें, व्हाइट कलर का, रेड कलर का सूर्य कौसर पढ़ा करें। मरियम भी और हमारी सिस्टर नीलम भी सूर्य कौसर, सूर्य इखलास, सूर्य रहमान की तिलावत किया करें, इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा टाइम इनका आ रहा है और हज उम्रे की चीजें निकल रही हैं और अपना स्टोन जरूर वेयर करें पहने, इंशाल्लाह आगे अच्छे हालात होंगे, कुदरत इनके आगे खुशियों का, कामयाबियों का टाइम इनका बहुत लंबा है, अगले 5 से 10 साल तक इनको फायदा होता रहेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल लंबा नहीं है, खत्म हो चुका है। ठीक है तो आपसे कल इस उम्मीद के साथ खुदाफिज करेंगे, कल इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी और इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच और आपसे ये कहेंगे कि अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह निगहबान।